वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, आज मैं पट्टी डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी, जिससे आप देखकर बनाना सीख जाएंगे। तो मैं पिंक कलर का इस्तेमाल की हूँ पट्टी में। आप जो भी कलर इस्तेमाल करना चाहती हैं वो अपने अनुसार कर सकती हैं। तो दोस्तों, पहले 20 से 25 चैन ले लें। उसके बाद बारीकी से आप उसमें फंदे लेकर टोप तैयार कर लें ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं नए नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रहूं और आप उसे देखकर आसानी से सीख जाएं। तो दोस्तों, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक आसानी से वीडियो मेरा पहुंच जाए, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूं वो आपसे मिस ना हो पाए। देखिए दोस्तों, मैं बारीकी से अपने इसको बना ली हूँ। उसके बाद इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाएगा एक साथ मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप किनारों को सेप रखने के लिए, ताकि आपका किनारा चौड़ा नहीं हो, इसलिए आप 2 से 3 टुक फंदे ले लें और उसे क्रूस की मदद से बांध लें। और उसके बाद आप एक टोप चैन लेकर उसमें से आप गुल्ली तैयार करें। आप जितना मोटा अपने अनुसार रखना चाहती हैं उतना मोटा कर लें। और गुल्ली तैयार होने पर उसके बाद आप फंदे ले लें और एक एक दो तीन तीन पर आप उसे उसी चैन से 3 छोड़कर चौथा चैन से आपको फिर गुल्ली तैयार करना है। आपको बांधना नहीं है गुल्ली को, आप क्रूस में ही सारे गुल्ली जो तैयार किए थे उसको रखना है एक साथ। उसके बाद से फिर आप 1 2 3 4 छोड़कर पांचवा में आप तैयार करें। जब आपका तीनों गुल्ली एक साइज का तैयार हो जाए दोस्तों, ध्यान रखें मीडियम साइज में लेना है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, ताकि आपका एक साइज का गुल्ली तैयार हो। और उसके बाद आपको फंदे को पकड़ लेना है। दोस्तों, थोड़ा बांधने में कठिनाई होती है, लेकिन आप आसानी से बांध सकती हैं। पकड़ने के बाद नीचे से चुटकी से पकड़ ले, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। उसके बाद जो आप उधर चुटकी से पकड़े थे फंदे को, उसे ले ले और उसके बाद टाइट करके चारों तरफ से और एक बार में उसको बांध ले और एक टुक चैन ले ले। तो दोस्तों, देखिए मेरा 3 गुल्ली एक जगह बंध गया है। उसके बाद से आपको उसी में से फिर फंदे ले ले आप, और फिर आप उसी बीचों बीच जो तीनों गुली का बीचों बीच है उसमें से आपको निकालना है। दोस्तों, बहुत ही आसान है इस गुली को बनाना। आप देखकर आसानी से इस पट्टी को बना सकती हैं। मैं थोड़ा सा टिप्स बताई हूँ जिसके आधार पर आप पूरा पट्टी बना सकती हैं। अपने अनुसार जितना बड़ा पट्टी रखना चाहती हैं उतना बड़ा पट्टी रखें।
उसके बाद दोस्तों देख ले, और उसके बाद उस किनारे में भी दूसरे तरफ का किनारे में भी तीन फंदे ले, ताकि दोनों तरफ का साइज बराबर दिखाई दे तीन तीन फंदे पर। इस तरह का एक लेयर में आपका तैयार हो जाएगा। अब दूसरा लेयर में आपको पूरा फूल कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप आसानी से इसे देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर एक बार में यह डिज़ाइन आपसे नहीं बनती है तो वीडियो को बार बार देखिए और बनाने की कोशिश करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। तो दोस्तों चार टुक सेन ले, उसको बाद से बीचों बीच से आपको फंदे तैयार करना है। इस तरह से आप फिर गुल्ली तैयार करें। उसके बाद फिर आप पांच चैन लें, उसके बाद से फिर आप चार चैन लें और किनारे का पट्टी तैयार करें। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पट्टी तैयार करना है ताकि आपका डिज़ाइन ऐसे बीच में बनते जाएगा। इस तरह से आप पूरे डिज़ाइन को बना सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए दोस्तों, मैं 2 से 3 लेयर में आपको बनाकर बताई हूँ। उसके बाद आप इस तरह से बड़ा पट्टी तैयार कर लीजिए। आपका डिज़ाइन का सेप ऐसे आएगा। तो दोस्तों, आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जब आप कमेंट बॉक्स में बताती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस डिज़ाइन को बनाकर बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप तक आसानी से पहुँच जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।